रूबरू कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत। आज की हमारी मेहमान है सुप्रसिद्ध फिल्म अदाकारा आयशा जुल्का, और आपसे बातचीत कर रही हैं आयशा जुल्का जी से। आयशा जी, कैसी हैं आप? आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। थैंक यू प्रियंका जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ इतने अच्छे से प्यारे से इंट्रोडक्शन का। थैंक यू मैम। आयशा जी, आप एक विंग कमांडर की बेटी हैं, अनुशासन और देशभक्ति का पाठ आपने बचपन में ही पढ़ लिया है, कैसे याद करती हैं अपने बचपन के लम्हों को? मैं ये कहूंगी कि मैं बहुत लकी हूँ कि मैंने एक आर्मी बैकग्राउंड, एयरफोर्स बैकग्राउंड में जन्म लिया और मेरी परवरिश भी उन्हीं सिद्धांतों और उसूलों के साथ हुई है, जिसमें हमेशा से मुझे यही सिखाया गया है कि पंक्चुअलिटी और वक्त की कदर किस तरह की जाए। और मैं आज भी कहीं पे भी मुझे पहुंचना हो या कुछ भी कार्य के लिए मैं कोई भी टाइम देती हूँ, तो मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं अपनी तरफ से कहीं लेट ना पहुंचूं। और डेफिनेटली इस तरह की अपब्रिंगिंग ने मुझे थोड़ा स्ट्रांग बनाया है और हमेशा से यही सीखा है कि होप फॉर द बेस्ट बट बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट। तो लगातार लड़ते रहिए अपने मुकाम को हासिल करने के लिए, हिम्मत मत हारिए और मेहनत करते रहो। तो बचपन में ये सब चीजें सिखाई हुई वही यादें हमेशा साथ चलती हैं। बहुत बढ़िया, आपकी अपब्रिंगिंग बहुत ही अच्छे तरीके से हुई है। आपके पेरेंट्स चाहते थे कि आप अभिनय के क्षेत्र में आए? एक्चुअली इट वाज जस्ट अ फ्लूक, किसी ने कभी सोचा भी नहीं था। और यू नो, बीइंग फ्रॉम द एयरफोर्स बैकग्राउंड, हमारी पोस्टिंग जगह जगह होती थी, हम ऑल ओवर इंडिया काफी हर तीन साढ़े तीन साल बाद ट्रैवल करते थे फिर एक नई डेस्टिनेशन। तो ये सोचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था कि कभी इस तरह से इंडस्ट्री में आना होगा या इंडस्ट्री का एक हिस्सा बनना। इट इज इंसिडेंटल आई वुड से। ओके, आयशा में एक अभिनेत्री की खूबियां भी हैं, इसका एहसास आपको कब हुआ? एक्चुअली मेरी मम्मी को बहुत शौक बचपन से था कि शी वॉज ऑल्सो यू नो कथक डांसर थी, वो मतलब सीखती थी शौक के लिए जी। तो बचपन से उन्होंने मुझे और मेरी सिस्टर को कथक डांस में ना एक एक्स्ट्रा करिकुलर हॉबी के हिसाब से जी, ट्रेडिशनल डांस भारत का कोई भी एक फॉर्म आना चाहिए बच्चों को जी। तो मैं जब 5 साल की थी मुझे याद है, मैं तब से मुझे इस ट्रेनिंग में डाला गया और जहां पर भी हम गए इस ट्रेनिंग को बरकरार रखा गया कि जहां जहां भी हम जाएं, कोई भी कथक का स्कूल हो तो वहां पे हम तालीम हासिल करें। मतलब मैंने 13 साल का पूरा कथक का कोर्स किया, विशारद किया। और जब हम एक डांस का फॉर्म लेते हैं नृत्य, तो कहीं ना कहीं यू नो फिल्में देखने का तो शौक बहुत था ही बचपन से, टेलीविजन देखने का शौक था और उन दिनों VCR VCD इस तरह की चीजें हुआ करती थी जी। तो हम देख देख के, और मैं जब भी स्टेज पे परफॉर्म करती थी स्कूल की तरफ से या अपने डांस स्कूल की तरफ से या फिर यू नो कई और कल्चरल एक्टिविटीज में, तो हमेशा ऐसा लगता था कि नृत्य भी एक भाव दिखाने का एक जरिया है जी। तो एक्सप्रेशन जो है एक्टिंग से काफी क्लोजली रिलेटेड होते हैं, तो वो कहीं ना कहीं ऐसा लगता था कि मैं भी कर सकती हूँ जी। तो बट वो बचपन की ख्वाहिशें थी, बट भगवान की दया से पूरी हो गई जी। क्या बात है। अभिनय की कोई शिक्षा भी आपने प्राप्त की है? नहीं, मैंने कोई ऐसे खास फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं की, पर यह है कि जब मैं मुंबई आई थी अपनी पहली फिल्म साइन की थी कुर्बान जी, तो उसके बाद मेरे पास कुछ वक्त था जब फिल्म शुरू हो रही थी, उसके बीच में कुछ प्रिपरेशन टाइम, तब मैंने रोशन तनेजा क्लासेस यू नो कुछ महीने भर ये देखने के लिए कि भाई किस तरह का कोई फॉर्मल ट्रेनिंग या क्योंकि मैं बहुत छोटी थी तो इसलिए हम लोगों को उस ट्रेनिंग में डाला गया था जी। जी जी, क्या एज रही होगी जब आपकी ये मूवी आई कुर्बान? मैं कुछ 16 साल की थी। ओह माय गॉड, मतलब आप बहुत ही स्वीट 16, आपने उस एज में आपने पहली फिल्म की। तो आज तो इंडस्ट्री में 32 में पहला ब्रेक मिलता है, कई दफा लेट हो जाता है, आप बहुत लकी हैं। थैंक यू। कश्मीर से मुंबई के फिल्म जगत में आपका प्रवेश कैसे हुआ और आपकी पहली फिल्म के बारे में भी हमारे श्रोताओं को बताइए।
पहली फिल्म बहुत इंसिडेंटल थी. मैं दिल्ली में रह रही थी उस टाइम, और कुछ ऐसा हुआ कि कोई एक फोटो शूट करना था कोई रेमंड की कोई कैंपेन का जी. तो उन्होंने मुझे चूज किया क्योंकि मैं उसके पहले मिस दिल्ली बनी, फिर मिस मसूरी बनी, इस तरह के ब्यूटी कॉन्टेस्ट मैंने जीते थे 2-3 जी. और जब ये फोटोशूट हो रहा था तो उसके लिए हमें मुंबई आना था जी. तो मुंबई आई तो वहाँ गौतम राजाध्यक्ष ने मेरा फोटोशूट किया जी. और पंडरी दादा जो बहुत ग्रेट मेकअप आर्टिस्ट रहे हैं हमारी इंडस्ट्री के जी. उन्होंने मेरा मेकअप किया. तो तब उन्होंने कहा कि भाई तुम्हारा चेहरा और तुम्हारा टैलेंट तो तुम्हें इंडस्ट्री में आना चाहिए. क्या बात. तो मैं तो बचपने में मैंने कहा मैं कहाँ से इंडस्ट्री में आऊंगी और कैसे यू नो. तो फिर उन्होंने एनीवे वो फोटोशूट खत्म हो गया और उसके बाद उन्होंने गौतम ने ये फोटो जितनी भी खींची थी उन फोटोग्राफ को काफी सर्कुलेट किया जी. और फिर एक दिन मुझे फोन आया दिल्ली की तुम्हें तो मुंबई आना पड़ेगा स्क्रीन टेस्ट देने के लिए क्योंकि सलमान के साथ एक फिल्म शुरू हो रही है कुर्बान और उसके लिए वो नई लड़की ढूंढ रहे हैं. तो हमने आपकी फोटोग्राफ दिखाई है और उनको बहुत पसंद आई है तो आप आ सकेंगे. तो मेरी बाई चांस छुट्टियां थी जी. तो हमने प्रोग्राम बनाया कि चलो वाई नॉट मुंबई. मम्मी पापा को कन्विंस किया कि ट्राई करने में क्या हर्ज है मुझे. फादर मदर की तरफ से पहली बार में ही परमिशन मिल गई थी या कुछ तकलीफ गई आपको? मेरे पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव हैं. उन्होंने कभी भी हमें नहीं ये रोका कि आप जो करना चाहते हो आप खुद ही डिसाइड करो. और ऑफकोर्स दे वर वेरी यू नो एडमेंट की एजुकेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए जी. लेकिन फिर भी हम बॉम्बे आए और बॉम्बे आके जब मैंने स्क्रीन टेस्ट दिया तो मुझे पता भी नहीं था स्क्रीन टेस्ट होता क्या है. जैसे जैसे कहा करो वैसे वैसे मैं करती गई और उन्होंने उसी दिन हमें कह दिया कि आप फाइनल हैं फिल्म के लिए और यू नो ये तैयारियां करनी पड़ेंगी और फिल्म का प्रोसीजर इतना इतना टाइम शूटिंग का होगा ऐसे होगा. तो वहां से एक कंप्लीट चेंज आया लाइफ में. ऑफकोर्स थोड़ी बहुत ऑपोजिशन थी एक्सटेंडेड फैमिली से जी. कि कैसे यू नो मैनेज करेगी लड़की और अकेले नहीं जा सकते ये वो. मेरे पेरेंट्स ने उससे काफी सैक्रिफाइस किया इसके लिए. मेरे फादर ने प्री मेच्योर रिटायरमेंट के लिए एप्लीकेशन डाली मुंबई में एक शॉर्ट टर्म पोस्टिंग ली कि भाई अकेले नहीं जाना. तो मेरी पूरी फैमिली एक तरह से साथ में शिफ्ट हो गई. बहुत बढ़िया. मतलब ये भी एक प्रकार का कह सकते हैं कि एक कॉन्ट्रीब्यूशन है कि परिवार आपको सपोर्ट कर रहा है और निरंतर आपके साथ है. हाँ वो सपोर्ट का एक ही कंडीशन था कि हम साथ रहेंगे तो ही ये काम होगा अकेले नहीं छोड़ेंगे. जी जी. एंड आई थिंक वो मेरे लिए काफी फ्रूटफुल रहा क्योंकि उनकी सपोर्ट के बिना तो मैं वैसे भी नहीं कर पाती. पेरेंट्स जब साथ में रहे तो हम तो कई बड़ी बड़ी जंगे जीत लेते हैं. बिल्कुल. जी. जो जीता वही सिकंदर ये आपकी सुपर डुपर हिट फिल्म रही है. इस फिल्म से जुड़ी आपकी कुछ यादें हमसे साझा कीजिए. वेल मैं ऐसे तो बहुत कुछ शेयर कर सकती हूँ लेकिन मुझे इतना याद है कि क्योंकि मैंने कहा कि वो भी बचपने का ही टाइम था. उस टाइम पे भी मुझे बहुत जल्दी ये फिल्म मिली थी जी. मेरी कुर्बान रिलीज नहीं हुई थी उसके पहले ही मैंने ये फिल्म साइन कर ली थी. अच्छा और, ये फिल्म आपको कैसे मिली मैम? ये फिल्म भी एक आई वुड से कि सडनली मुझे एक दिन फोन आया हमारे इंडस्ट्री के ही एक नॉन सेक्रेटरी चंकी जी के थे हसमुख. तो उनका फोन आया कि भैया इस तरह से मंसूर खान एक फिल्म बना रहे हैं और उसमें एक नई लड़की की तलाश हो रही है क्योंकि कुछ रीशूटिंग है तो आप मिलने जा सकते हैं नासिर जी को. तो मैं और मम्मी हम लोग पहुंच गए उनके ऑफिस. तो उन्होंने कहा कि आप क्या कर रहे हो हमें तो एकदम नई लड़की चाहिए. तो मैंने कहा भाई मैं तो ऑलरेडी एक फिल्म कर रही हूँ और उसकी शूटिंग भी हुई है और उसके गाने वाने भी शूट हो चुके हैं पर फिल्म अभी पूरी तरह से कम्प्लीट नहीं है जी. तो उन्होंने कहा कि हम ये गाने देख सकते हैं क्या? तो मैंने कहा बिल्कुल. तो फिर मैंने फोन किया बबी केंट को और उन्होंने फटाफट अरेंज किया जी. और मंसूर आए साथ में. उन्होंने गाना देखा मुश्किल से 10 मिनट भी नहीं देखा और कहा कि यही है यही लड़की है मुझे यही लड़की चाहिए. और तो बस वो ऐसे ही हो गया. तो एक्चुअली पता ही नहीं लगा वो फिल्म हो भी गई. हमने शूटिंग भी कर ली और बहुत सारे अच्छे यू नो शूट के ऊपर भी बहुत प्लेफुल एटमॉस्फेयर था. काम के वक्त एकदम स्ट्रिक्ट काम होता था और अदरवाइज प्रैंक्स क्योंकि वो 50-60 दिन का एक ही स्केड्यूल बहुत लंबा था शुरू में जो फिल्म सिटी में किया था हमने. और
जैसे मैंने कहा क्योंकि मैं बहुत यंग थी तो उस टाइम वो समझ ऐसे कुछ प्लान्ड कुछ भी नहीं होता था, जो मन में आया जैसे मन में आया, जो अंदर से निकला, जो गट फीलिंग उस टाइम हुई उस तरह से मैं काम करती थी। सपोर्ट सिस्टम बहुत अच्छा था, कोस्टार्स बहुत अच्छे थे। आमिर के साथ आपकी पहली फिल्म थी कुर्बान, जिसमें आपने शूट शुरू कर दिया था, उसके बाद आपने जो जीता वही सिकंदर किया, उसके बाद पहली फिल्म आपकी रिलीज जो हुई वो शायद जो जीता वही सिकंदर थी। नहीं, अगर आप एक बार चेक करें, मैंने उसके बाद खिलाड़ी भी साइन की। हाँ हाँ, एक टाइम रिलीज हुई, फिर दूसरी रिलीज हुई, फिर तीसरी, और एक ऐसा वक्त था, एक ऐसा हफ्ता था जब गेटी गैलेक्सी और जेमिनी तीन सिनेमा हमारे मुंबई के, और तीनों में मेरी फिल्म लगी हुई थी, एक में कुर्बान, एक में जोजी था और एक में खिलाड़ी, मतलब तीनों एक साथ रिलीज हुई हैं ऐसा कुछ। हाँ, ऑलमोस्ट 25 वीक्स किए कुर्बान ने, उसके बाद जोजीता हुई, फिर जोजीता ने इतना रिकॉर्ड तोड़ा, फिर खिलाड़ी आई, तो तब तक वो लगी हुई थी दोनों फिल्में, फिर खिलाड़ी लग गई जी। तो उस टाइम पे पूरा हफ्ता तीनों फिल्में साथ लगी हुई थी। इन दिनों फिल्मों की शूटिंग तो लगभग बंद है, कोरोना इस महामारी से फिल्म इंडस्ट्री का काम थोड़ा रुक चुका है, कैसे बीत रहे हैं ये दिन, क्या कुछ नया करने की तैयारी चल रही है? मैं एक्चुअली काफी हमारे जो इंडी स्ट्रेज हैं, स्ट्रे डॉग, उनके लिए काफी काम करती हूँ। तो मैंने इस पूरे वक्त को, ऑफकोर्स जो लॉकडाउन का पीरियड था उसमें तो नहीं कर पा रहे थे, तो उसमें काफी वक्त घर पे बिताने का मौका मिला, जो एक बहुत अच्छा चेंज था। अपनी जिंदगी को दोबारा से रिव्यू करने का चांस मिला, वो एक बहुत अच्छा चेंज था, और डिफरेंट एक्सपीरियंस था। घर की तरफ ध्यान, खाना बनाना, कुछ कुछ चीजें ऐसी जो कभी कर नहीं पा रहे थे वक्त की वजह से, उस रफ्तार में हम भागे जा रहे थे, तो वो एक बहुत रिफ्रेशिंग चेंज मुझे लगा। और लॉकडाउन के बाद जब खुल गया तो मैंने अपना काफी वक्त इंडी स्टेज के लिए काफी सारी चीजें की, लोनावला में कई सारे फीडर पॉइंट्स लगाए हाइजीनिक और सिस्टमेटिक फीडिंग के लिए, कई सारी और चीजें की फीडिंग के लिए, एम्बुलेंसेस चालू की, एनिमल फीडर वैन्स चालू की, और एक पपीज फॉस्टर होम हाल ही में चालू किया, जहाँ पे जो बच्चे नाले में फेंक दिए जाते हैं या जिन पपीज को एकदम अबैंडन किया जाता है, तो उनको हम लाकर उनको वैक्सीनेट करके उनकी हेल्थ केयर करके और कोशिश करते हैं कि उन्हें कोई अडॉप्ट कर ले। बहुत ही अच्छी सेवा कर रही हैं आप डॉग्स के लिए, पेट्स के लिए, पपीज के लिए। मुझे, मैं अंदर से फील करती हूँ और बचपन से करती हूँ, हमेशा से मेरे पास पेट्स रहे हैं, और बहुत बार मैं सड़क पे किसी भी कैट या डॉग को बिल्कुल असहाय पाती हूँ तो मैं ले आती हूँ, और हमेशा मैंने पाले हैं इंडी स्ट्रेज। लेकिन मुझे लगता है कि, और मैं कर भी काफी साल से रही हूँ पर अब थोड़ा आगे आके कर रही हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बहुत जरूरत है हमें, हमारी कंट्री में ओवर 35 मिलियन पॉपुलेशन है इनकी, स्टेबलाइजेशन जरूरी है, इनके अडॉप्शन जरूरी है। तो मैं हमेशा सबसे यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि जब भी आप कोई डॉग को घर लाने का सोचें तो प्लीज पहले अपने ही स्वदेशी इंडी स्ट्रेज का सोचें। दे आर वेरी वेरी लविंग, दे आर वेरी वेरी प्रिटी, वेरी क्यूट, और बहुत टफ होते हैं, बहुत प्यारे होते हैं, किसी भी पेडिग्री से कम नहीं। आप इतनी अच्छी सोच रखती हैं, ऐसी सोच सब नहीं रखते, और एक बीइंग अ सेलिब्रिटी, आपके जहन में इतने अच्छे ख्याल हैं, आप इतना अच्छा सोचती हैं वो पेट्स के लिए जो बाहर स्ट्रीट डॉग्स जो घूमते रहते हैं उनके लिए भी, अगर आप इतना अच्छा सोचती हैं तो ये सच में तारीफ़ काबिल है आयशा जी। थैंक यू आयशा जी। आपने फिल्म इंडस्ट्री से बीच में आपने रिटायरमेंट लिया जी, उसके बाद आपकी किस चीज़ में आपकी ज़्यादा सक्रियता रही? एक्चुअली मेरा इन्वॉल्वमेंट ऑनेस्टली बहुत सारे सोशल कॉजेज में रहा है हमेशा। मैंने बीच में ब्रेक इसलिए लिया क्योंकि मेरे लिए लाइफ बहुत मोनोटोनस हो रही थी, मैं थोड़ी एक नॉर्मल लाइफ जीना चाह रही थी जी। और एक नॉर्मल तरीके से कई सारी चीजें, जो बिकॉज मैंने बहुत जल्दी काम शुरू कर दिया था, तो वो एक अलग पहलू जो जिंदगी का होता है एक आम आदमी का, वो मैं नहीं जी पाई थी। तो मैंने वो टाइम अपना काफी इंजॉय किया, बहुत सारे फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ, कई सारी चीजें सीखना, कई सारी चीजें घर संभालना, बहुत सारी चीजें। लेकिन सबसे ज्यादा मैंने, जैसे कहा कि मैंने सोशल कॉजेज में अपना वक्त बिताया है, मेनली फॉर एनिमल्स। सबसे ज्यादा सुकून आपने कौन से काम में पाया? इसी काम में मुझे महसूस बहुत हेक्टिक होता है, लेकिन
बहुत सेटिस्फेक्शन मिलती है, अंदर से खुशी मिलती है जब एक पपी को बचा लेते हैं या एक डॉग को एक घर दिलवा देते हैं तो थोड़ा, और या वो जब खाना खा रहे होते हैं सड़कों पे, पेडिग्री देते हैं उनको या कोई अच्छा खाना दिया जाता है, तो कई बहुत बार मैं हफ्ते में 2-3 दिन खुद जाके करती हूँ, तो वो बहुत अलग सी सेटिस्फेक्शन है। तो एक मैडनेस है, लोग मुझे थोड़ा मैड भी बोलते हैं इस मामले में, लेकिन ये मैडनेस नहीं, नहीं, ये मैडनेस नहीं है मैम। सैल्यूट करना चाहिए ऐसे लोगों को जो सोचते हैं स्ट्रीट डॉग्स के लिए। वेब सीरीज के जरिए अनेक कलाकार आज हमारे सामने हैं, आप क्या सोचती हैं, क्या वेब सीरीज और वेब फिल्में भविष्य में मनोरंजन जगत में कुछ परिवर्तन ला सकती हैं? मैं खुद एक बहुत बड़ी आर्डेंट फैन हूँ इन वेब सीरीज की, और थ्रू आउट द लॉकडाउन मैंने बहुत सारी वेब सीरीज देखी, दे आर वेरी एंगेजिंग और बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा काम हो रहा है कई सीरीज में, चाहे वो अंग्रेजी हो चाहे वो हमारी हिंदुस्तानी हो। और मुझे लगता है कि अनफॉर्चुनेटली ये सिचुएशन कोविड की, और इसमें सिनेमा वैसे भी बहुत ज्यादा तकलीफदायक है फिलहाल के लिए, बट मैं क्योंकि हमेशा बड़े स्क्रीन से जुड़ी हुई हूँ तो मैं हमेशा यही प्रे करूंगी कि बहुत जल्दी बड़े स्क्रीन के ऊपर वापस वही फॉर्मेट हम देख पाए। लेकिन वेब सीरीज इज अ वेरी वेरी रिफ्रेशिंग इंट्रोडक्शन टू आवर टैलेंट, और मुझे लगता है कि ये बहुत क्रिएटिविटी का एक बहुत प्यारा साधन है, और इसमें कई सारे लोगों को काम मिल रहा है जी, और बहुत सारे लोग जो शायद बहुत आसानी से वहां नहीं पहुंच सकते, फिल्मों में नहीं पहुंच सकते, यहाँ पे उनको अपना टैलेंट शोकेस करने का चांस मिल रहा है, चाहे वो टैलेंट ऑन स्क्रीन हो चाहे ऑफ स्क्रीन हो। राइट राइट राइट, बहुत लोगों को, कलाकारों को काम मिला है वेब सीरीज के जरिए। बिल्कुल, कलाकारों को भी, और बिहाइंड द सीन्स भी आप देखिए कितना स्टाफ काम कर पा रहा है, कितने और फैकल्टी के, कैमरा हो, लाइट्स हो, असिस्टेंट्स हो, या प्रोडक्शन हो, डायरेक्शन टीम्स हो, कईयों को काम मिल रहा है, और ये बहुत प्यारा साधन है और बहुत एंगेजिंग है, बहुत अच्छा काम करने का इसमें चांस मिल रहा है। स्क्रिप्ट इतनी अच्छी अच्छी दिखाई जा रही है, एक्सपेरिमेंटल सिनेमा जिसे कहते हैं वो हम बहुत आसानी से इसके द्वारा कर पा रहे हैं। जी, आपने बहुत सही कहा, ये सारे गुड फैक्ट्स हैं इसके। कुछ ऐसे चीजें भी हैं जैसे कि हम देखते हैं कई बार मूवीज, और कई बार ऐसा लगता है कि यार कुछ भाषा का, मतलब कई बार गाली गलोच और जो भाषा ऐसी है जो जहां जरूरत भी नहीं है वहां भी उसको यूज किया जाता है, क्योंकि यहाँ सेंसर तो होता ही नहीं है, तो क्या आपको लगता है कि वो सही है? हाँ, मैं फुली एग्री करती हूँ, और इस बात को मैंने भी बहुत बार नोटिस किया है कि जहाँ जरूरत नहीं भी है वहाँ भी इसका इस्तेमाल हो रहा है, और मुझे ऐसा लगता है कि ये एक्सेप्टेबल नहीं होना चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा इसलिए क्योंकि ये घर पहुँचता है, और घर में बहुत तरह के लोग होते हैं, आपके एल्डर्स होते हैं, बच्चे होते हैं, आपकी हाउस हेल्प होती है, और इतनी आसानी से उन्हें सब्जेक्ट नहीं करना चाहिए इन चीजों के लिए, इससे काफी अनइजीनेस हो जाती है, क्योंकि देखिए फिल्मों में भी सेंसरशिप है, जहाँ की आप टिकट लेके अपनी मर्जी से जाना ना जाना डिसाइड कर सकते हैं, पर यहाँ आप डिसाइड नहीं कर सकते, यहाँ अगर आप बैठ के कुछ देख रहे हैं तो आप देख रहे हैं और घर में और भी लोग सुन रहे हैं जी। तो कभी कभी एम्बैरेसमेंट होती है, मुझे लगता है कि हम अवॉइड कर सकते हैं इन चीजों को, उसके बावजूद इन सब चीजों के ना होने के बावजूद भी हम इन चीजों को देखेंगे, इन सीरीज को देखेंगे, क्योंकि कंटेंट अच्छा है, तो सिर्फ कंटेंट को हाईलाइट करने के लिए इन चीजों का इस्तेमाल करना जरूरी नहीं है। जी जी, सही कहा आपने। भविष्य में आपकी क्या योजना है, आगे आप क्या सोचते हैं इंडस्ट्री में, आप आगे करना चाहते हैं या सोशली जिस तरीके से आप अभी कर रहे हैं स्ट्रीट पेट डॉग्स के लिए उसमें जाएंगे, या आपकी किस तरह की योजनाएं हैं? मैं एक्चुअली ना आई लिव फॉर द मोमेंट, मैं बहुत प्लानिंग नहीं करती हूँ, पर मेरी एक ख्वाहिश है, ऑफकोर्स मैं अच्छी वेब सीरीज करना चाहूंगी, अच्छा काम करना चाहूंगी, लेकिन मैं सबसे पहले लोनावला में जैसे मैं ये काम शुरू करा है मैंने फेस के लिए, मैं चाहती हूँ कि ये जो फीडर्स का कॉन्सेप्ट हमने इंट्रोड्यूस किया है वहाँ, ये हम ऑल ओवर महाराष्ट्र या ऑल ओवर इंडिया कर पाए, ताकि बहुत सही तरीके से हमारे स्ट्रीट के बच्चों को, अगर घर पे आप नहीं अडॉप्ट कर सकते तो एटलीस्ट स्ट्रीट पे अडॉप्ट कीजिए, उनकी देखभाल कीजिए, उन्हें अच्छा खाना दीजिए, उनके स्वास्थ्य को हेल्दी रखिए, ताकि वो रेबीज और इस तरह की बीमारियों से दूर रहें और ह्यूमन लाइफ को भी कोई खतरा ना हो,
जब उनका पेट भरा रहता है तो वो किसी पे भौंकते नहीं, घुराते नहीं, काटते नहीं। जैसे बच्चा रोता है तो भूख लगती है तो वो रोता है, हमें भूख लगती है हम इरिटेट होते हैं, पर ये बच्चे तो मूक हैं, ये कैसे बताएं। बिल्कुल। तो इनकी भाषा भी समझना जरूरी है। और सबसे ज्यादा जरूरी अभी मेरे लिए है कि वहां पे कोई भी वेटनरी हॉस्पिटल या फैसिलिटी नहीं है, तो मेरा अभी फिलहाल यही कोशिश है कि किसी तरह से हम वहाँ पे एक वेटनरी फैसिलिटी बना सकें, एक एनिमल होम बना सकें, जहाँ पे इस तरह के बच्चों को थोड़ी सुविधा मिले और ये अपनी जान ना गंवाएं मेडिकल फैसिलिटी ना होने के कारण। जी जी, बहुत अच्छी सोच रखती हैं और हम आपकी भविष्य के लिए, ये योजनाओं के लिए हम आकाशवाणी परिवार से आपको तहे दिल से शुभकामनाएं देते हैं, आपके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं देते हैं। थैंक यू। और मैं जरूर कहना चाहूंगी कि आप जरूर अपने इस माध्यम के थ्रू लोगों को जरूर कहें कि प्लीज इंडी पपीज को अडॉप्ट करें और उन्हें घर लेके जाएं, उनको प्यार करें। आप देखेंगे कि कुछ ही महीनों में वो इतने प्यारे पेट्स बन जाते हैं कि आपको उनसे प्यार हो जाता है। और हमने भी जो पपीज फॉस्टर होम लोनावला में शुरू किया है, अगर कोई भी चाहे कि वो पपी को अडॉप्ट करना चाहता है तो बेझिझक हमें कांटेक्ट कर सकता है और हम उन्हें उनकी पसंद का पपी दे देंगे। बिल्कुल आयशा जी, आकाशवाणी को सुनने वाले सभी श्रोताओं को मैं ये दिल से कहूंगी कि वो आपकी बातों को सुने, ध्यान से सुने और आपसे संपर्क करें। आयशा जी, जाते जाते हम आपकी पसंद का कोई गीत सुनाना चाहते हैं हमारे श्रोताओं को। वेल, मेरे बहुत सारे फेवरेट गीत हैं, लेकिन मैं चाहूंगी कि मेरी ही एक फिल्म है खिलाड़ी, जिसका गाना वादा रहा सनम, वो मुझे बहुत पसंद है। जी बिल्कुल, वन ऑफ द फेवरेट। थैंक यू मैम, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू प्रियंका जी, थैंक यू। श्रोताओं, रूबरू कार्यक्रम में आप सुन रहे थे सुप्रसिद्ध फिल्म अदाकारा आयशा जुल्का से प्रियंका ठाकुर की बातचीत, और इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे मनोज जैन। मिलते हैं हमारे अगले कार्यक्रम में, तब तक के लिए शुक्रिया।